गाइस वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं प्रियंका और प्रियंका ब्यूटीज में आपका स्वागत है। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो अमेजन से है और एक जो पार्सल है वो है मिंत्रा से। तो सबसे पहले गाइस मैं ओपन करती और हूँ गाइस अभी अमेजन। अमेज़न पे चल रही है सेल, तो आपको मतलब सभी ब्रांड्स पे 50 से 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप अभी परचेजिंग कर सकते हो। तो चलिए गाइस मैं करती हूँ वीडियो को स्टार्ट। और गाइस इनमें मैंने मंगवाया है बच्चों के लिए ड्रेस जो कि आपको 5 से 6 साल के बच्चे के लिए रहेंगी। और गाइस ये अभी मतलब जैसा सीजन चल रहा है ना उस हिसाब से मैंने मंगवाए थे, जैसे शादी वादी के हिसाब से। तो दोनों ही पार्सल में आपको बच्चों की ड्रेस मिलेंगी। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को पसंद आए। तो गाइज आप देख सकते हो सेम मुझे वैसा ही प्रोडक्ट मिला है जो कि मैंने ऑर्डर किया है, सेम मुझे रिसीव हुआ है। और मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी एक अटैच की है जो मैंने ऑर्डर की हुई थी और वहाँ पे जो फ़ोटो दिखाई गई थी। तो आप देख सकते हो गाइज पार्सल में मुझे ना मतलब दोनों पैकेट अलग अलग मिले हैं, सेम पार्सल में मिले हैं। और ये आप देख सकते हो ये है इसकी जैकेट और ये है कुर्ता पजामा। तो ये मैंने पूरा सेट मंगवाया था कुर्ता पजामा विद नेहरू जैकेट का, जो कि अभी जैसे शादी वगैरह चल रही है तो अगर आपके घर में भी जैसे कोई शादी हो किसी की रिलेटिव्स में या फिर जैसे कोई बर्थडे वगैरह हो अपने बच्चे का, तो उस हिसाब से आई होप कि ड्रेस मुझे काफ़ी पसंद आई है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। और इसी कलर कॉम्बिनेशन में मतलब गोल्ड कलर का रहेगा कुर्ता पजामा। और जो ये नेहरू जैकेट है इसमें और भी आपको कलर मिल जाएंगे, जैसे रेड हुआ और जैसे ब्लैक हुआ, जैसे ब्लू है, मतलब ऐसे और भी आपको 2-3 कलर इसमें मिल जाएंगे। और गाइज मैंने ऑर्डर किया है ब्लू एंड गोल्डन कलर में कॉम्बिनेशन का, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। और सबसे पहले देखते हैं गाइज इसकी नेहरू जैकेट को। और गाइज ऐसा नहीं है कि आप पूरा सेट ही मंगवाओ, आप ओनली नेहरू जैकेट भी मंगवा सकते हो अगर आप लोगों को पसंद है तो। लेकिन मैंने पूरा सेट मंगवाया था क्योंकि मुझे मतलब ये देखने पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इसलिए। आप देख सकते हो गाइज ये है इसकी जैकेट। और गाइज ये मैंने मंगवाया है 6 से 7 साल के उम्र के बच्चे के लिए। तो आप भी गाइज अपने बच्चे की एज के अनुसार और जो उनकी लंबाई वगैरह उसके अनुसार वहाँ पे साइज वगैरह चूज करके मंगवा सकते हो। तो गाइज देख लेते हैं अब इसकी जैकेट को। आप देख सकते हो गाइज जैकेट में ना मतलब इसका जो कलर है वो नेवी ब्लू है और ये सिल्वर कलर, सिल्वर भी नहीं है, मतलब ऐसा ना गोल्ड है ना सिल्वर है, ऐसा कलर है जिससे कि इसमें प्रिंट बनाई गई है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है गाइज ये। और ये आप देख सकते हो ये है इसका कॉलर। और गाइज ये वस्त्रम में मतलब एक ब्रांड करके हैं, उसमें भी JBN क्रिएशन करके जो शॉपर थे उनसे मैंने इसको मंगवाई है। और यह है गाइज इसमें बटन जो कि है आउटसाइड में और जो अंदर में दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हो इस टाइप में इसमें अंदर में भी बटन दिए गए हैं, जो बाहर दिए गए वो एक डिजाइन पर्पज से दिए गए हैं। और ये गाइज इसमें मतलब ये दोनों साइड में से नीचे जाके पॉकेट्स दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन हाँ बच्चों के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और ये है गाइज स्लीव्स लेस, इसमें अंदर में भी स्लीव्स अटैच नहीं है, ओनली ये हाफ स्लीव्स ही है और नेहरू जैकेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाफ ही आएगी। और ये है गाइज इसका बैक वाला पार्ट, बैक पार्ट में भी गाइज सेम प्रिंट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन गाइज इसका जो मटेरियल है ना वो है सिल्क प्लस कॉटन ब्लेंड में, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी गाइज मुझे इसकी लग रही है। तो ये थी गाइज इसकी नेहरू जैकेट। और अब देख लेते हैं गाइज इसके कुर्ते पजामे को जो कि है गोल्डन कलर में, और ये कलर मुझे काफ़ी पसंद आया था। और गाइज जैसे अगर आपको ओनली कुर्ता पजामा ही अगर मंगवाना है तो वो भी आप मंगवा सकते हो, और अगर आपको विद नेहरू जैकेट मंगवाना है तो वैसे भी मंगवा सकते हो, या फिर आप ओनली नेहरू जैकेट भी मंगवा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब ये दोनों ही साथ में लेने हैं। तो ये आप देख सकते हो गाइज ये है इसमें पजामा और सेम कलर में ही है इसमें ये कुर्ता। तो चलिए गाइस इनमें भी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो ये गाइस आप देख सकते हो चूड़ीदार टाइप में गाइस इसका पजामा है और ये इसमें इलास्टिक दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और इसका जो मटेरियल है वो है सिल्क में गाइस,
इसका मतलब पूरा जैसे कॉटन ब्लेंड में नहीं है, ओनली प्योर मतलब ऐसे सिल्क में ही इसका मटेरियल है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और गाइज मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसका जो मटेरियल है ना थोड़ा मतलब ऐसे चमकीला, हल्का चमकीला सा है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देखो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ पे ऐसे शाइनिंग करता है। मटेरियल काफ़ी अच्छा है गाइज, मुझे काफ़ी पसंद आया है ये। और गाइज इसकी स्टिचिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि मतलब इधर उधर कोई धागा कहाँ जा रहा है या फिर कहीं से निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। और ये आप देख सकते हो इसका पैटर्न ना पूरा ऐसे चूड़ीदार टाइप में है, और नीचे मतलब ऐसे चूड़ियाँ भी इसमें रहने वाली है, तो काफ़ी अच्छा सा ये पैटर्न लगने वाला है। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी अटैच करूँगी जिसमें आपको मतलब इसका पजामे का नीचे वाला लुक भी थोड़ा दिखेगा। तो गाइज ये जो इसका पजामा है वो इस तरीके से रहने वाला है। और अब देख लेते हैं गाइज इसके कुर्ते को, कुर्ते की भी गाइज सेम जो मटेरियल है वो पजामे और कुर्ते की दोनों की सेम है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कुर्ता है। और ये गाइज आप देख सकते हो ऊपर से मतलब पूरा कॉलर में डिज़ाइन है, मतलब कॉलर वाला कुर्ता है, और ये फुल स्लीव्स है इसकी, स्लीव्स भी थोड़ी सी आगे से सही कट्टी सी रहने वाली है, मतलब काफ़ी अच्छी सी लगने वाली है। और ये दोनों साइड में इसमें पॉकेट्स दी गई है कुर्ते में, और फिर नीचे आके स्लिट्स है, और ये इसके साथ में इसके टैग वगैरह दिए गए हैं। और गाइस ये जो कॉलर के बाद में इसमें जो पट्टी बनाई गई है इसमें वुडन के 3 बटन लगाए गए हैं, जो कि बटन्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और गाइस जो इनमें बटन्स जो है वो वुडन के हैं, वुडन भी मतलब काफ़ी अच्छी उसके हैं, और इनको लगाए भी काफ़ी अच्छी तरीके से गया है। तो यह है गाइस कुर्ता, और यह है गाइस इसका जो फ्रंट साइड है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। मटेरियल जो है इसका वो काफ़ी अच्छा मुझे इसका लगा है गाइस। और गाइस अब देख लेते हैं जो इसका बैक पार्ट है वो, और गाइस बैक पार्ट भी आप देख सकते हो पूरा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सेम वही इसमें डिज़ाइन वगैरह है जो फ्रंट में है, सिर्फ वही, बाकी पूरा सिंपल है, लेकिन काफ़ी अच्छा है गाइज ये। तो गाइज आप भी इसको मतलब अपने बच्चों के लिए मंगवा सकते हो, जैसे अगर आपके घर में बर्थडे है या फिर शादी का कोई फंक्शन वगैरह है तो, क्योंकि बच्चों पे काफ़ी अच्छा सा लगने वाला है। और मैं आपको गाइज इसकी प्राइस बता दूँ, ये गाइज मुझे लगभग मिला था 1350 रुपये के लगभग, और उस टाइम पर भी इस पर डिस्काउंट चल रहा था, और अभी भी जैसे डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं, तो अगर आप अभी ऑर्डर करोगे तो आई होप कि आपको कोई और भी ये कम प्राइस में मिले। बट गाइज ये क्वालिटी और डिज़ाइन वगैरह के हिसाब से मुझे काफ़ी परफेक्ट लगा है, सिंपल सा है, लेकिन गाइज इसका लुक वगैरह काफ़ी अच्छा बच्चे पे आ जाएगा। और अब देखते हैं गाइज सेकंड वालों प्रोडक्ट को, जो कि है मिंत्रा से। और गाइज अभी मिंत्रा पे एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, जिसमें कि गाइज आपको अच्छे अच्छे ब्रांड पे जैसे H&M, मैक्स, इन पे ना गाइज आपको 80% तक का ऑफ मिल जाएगा। और ये है गाइज 18 से 23 दिसंबर तक, तो आप अभी जो सेल चल रही है प्लीज़ इसी में से परचेज करें, ताकि आपको जो भी प्रोडक्ट वगैरह पसंद हो वो आपको बिल्कुल कम प्राइस में मिले। तो चलिए गाइज अब मैं करती हूँ वीडियो को स्टार्ट। और गाइज ये आप देख सकते हो मैंने पार्सल को कर लिया है ओपन, और ये गाइज मैंने मंगवाया है एक और जोगर्स, जो कि अगेन बच्चे के लिए ही है, और ये है अर्बेनो कंपनी से, जो कि ये ब्रांड काफ़ी और अच्छा इस ब्रांड है। के जो कपड़े वगैरह होते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। तो चलिए गाइज देखती हूँ मैं भी इस जोगर्स को। और ये गाइज मैंने मंगवाया है ग्रे कलर में, और बीच में गाइज ग्रे कलर में ही शेडेड है थोड़ा सा बीच में से, जो कि मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और ये आप देख सकते हो इसके साथ टैगिंग वगैरह है, और पीछे भी मतलब एक छोटा सा टैग भी मतलब जेब के अटैच्ड है पॉकेट में अर्बेनो का ही, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यह है गाइज इसका फ्रंट साइड, सिंपल सा है गाइज लेकिन काफ़ी अच्छा सा लुक देता है बच्चे को। और इसकी जो क्वालिटी होती है ना मटेरियल की वो काफ़ी अच्छी होती है। और ये आप देख सकते हो गाइज इसमें इसमें इलास्टिक दी गई है, इलास्टिक के साथ इसमें गाइज ये आप देख सकते हो इसमें डोरी भी अटैच है, अगर आपके बच्चे को जैसे टाइट या फिर ऐसे ढीला वगैरह कुछ भी हो तो। और आप देखो गाइज ये जहाँ पे डोरी दी गई है वहाँ पे मतलब दोनों साइड में ये जो इसमें फैब्रिक लगाया गया है ये लेदर का है, जिससे कि मतलब जो पैंट है वो मतलब यहाँ इस जगह पे से मतलब कटे फटे नहीं। तो ये गाइज इसका फ्रंट साइड है। और गाइज ये जो जिप बनाई गई है यहाँ पे बिल्कुल जिप नहीं है, और मतलब सिर्फ इसको ये डिज़ाइन के लिए बनाया गया है, बाकी यहाँ पे जिप नहीं दी गई है। और ये इसमें फ्रंट साइड में दोनों
साइड में पॉकेट दी गई है, और ये आप देख सकते हो नीचे से इलास्टिक दी गई है जो कि काफ़ी टाइट रहने वाली इलास्टिक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और ये बीच में से ग्रे कलर में दो स्पॉट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा सा ही लगता है बच्चे पे। और ये है गाइस इसका बैक साइड, बैक साइड में आप देख सकते हो और बेनो का टैग लगा हुआ है, और बैक में भी ये मतलब इसमें दो पॉकेट दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये सेम पैटर्न है, सिंपल सा है लेकिन लुक काफ़ी अच्छा देता है गाइस ये। इस पर मतलब ऐसे कोई भी लाइट कलर की आप टी शर्ट पहनाइए, काफ़ी अच्छे से मतलब एक पार्टी वेयर लुक हो जाएगा। और गाइस इसकी जो MRP थी वो लगभग 1400 रुपये थी, लेकिन ये मुझे डिस्काउंट करके लगभग 650 रुपये के लगभग मुझे मिला था। लेकिन आई होप कि अगर आप इसको परचेज करो तो ये आपको अभी सेल में और भी कम प्राइस पे ये आपको मिले। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हो क्योंकि इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो ये था गाइज मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसकी साइड में जो बेल आइकन वाला बटन दिया हुआ होता है उस पर भी ज़रूर से क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले और वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और गाइज मैं इसी टाइप के वीडियो बनाती हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो भी मैं परचेज करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है उसी का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, टिल देन।